हवा अंधार। हाँ अंधी माँ, सोने भी नहीं दोगे? ठीक है ठीक है, गैरेज में। चलो मेरे साथ। लेकिन उस्ताद, सुना है शाखा की गैंग ने उसे खबर कर दी है, अगर वो आ गया तो वो तड़ी पार क्या आएगा, और अगर आ भी गया तो ये बहुत दिनों से प्यासा है, इसकी प्यास भी बुझ जाए। चोरी की, मेरे आदमी को मारा, माल वापस करो, आदमी का हिसाब मैं बाद में लूंगा। माल चाहिए? शामू के घर से कोई खाली वापस नहीं लौटता। आज सबका फैसला होगा, तुम्हारा और मेरा, और तुम्हारा और मेरा ही हो जाए। पुलिस कोई नहीं,
अगर मैं ऐसा ना कहता तो वो तुम्हें भर डालता। शाका, तुम नहीं आते हो तो तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहती हूँ, और जब आते हो तो जी घबराने लगता है कि कहीं किसी ने तुम्हें देख। ये क्या? कुत्ते ने काटा। कुत्ते ने? शामू जरा ज्यादा भौंकने लगा था, उसे ठीक करके आया। क्या खत्म कर दिया? नहीं, बच गया। ओहो, ये क्या बेवकूफी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम इस तरह यहां मत आया करो, अगर पुलिस ने देख लिया तो। बड़ा छोटा दिल है। ओ शाका, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे तड़ी पार की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ थोड़े दिन बाकी रह गए। तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई नया प्लान? मैंने सब इंतजाम कर रखा है, सिर्फ तुम्हारे तड़ी पार की मुद्दत खत्म हो जाए। प्लान क्या है? एक बहुत बड़ा सेठ है, कंजूस होने की वजह से रुपया बैंक में नहीं रखता, लाखों की दौलत घर में छुपा रखी, कोई चौकीदार तक नहीं। कहाँ है? यहाँ से थोड़ी न कहा। चलो आओ मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें सारा प्लान समझा देता हूँ। आओ। देखा, इतने बड़े घर में सिर्फ दो औरतें और दो आदमी, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि थोड़े दिनों में वहां एक मेला लगने वाला है। उन दिनों में वहां जाओगे तो कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। शाका, अगर ये काम हो जाए तो हम सब माला माल हो जाएंगे। यस बॉस। हाँ डाली, ये काम हो जाए फिर हम अपना एक घर बनाएंगे। ये ले भाई, एक रुपया 81 पैसे। ये उस्ताद, ये 1 रुपया 81 पैसे तेरे रोनी सूरत। ये 1 रुपया 81 पैसे तेरे। कमाल है उस्ताद, 2 छटाक आदमी के लिए 1 रुपया 81 पैसे, और मेरे लिए भी। कम खाया कर रहे, आगे राशन ही नहीं मिलता है। मगर उस्ताद, बाप की कमाई नहीं, बाप की कमाई है, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। अरे पंडित, बाकी तू रख ले। अच्छा। कौन? शाका। चलो रे, फट 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 और फट फट के। ए सुनो, सामान का ख्याल रखना। अच्छा, आओ जी, आओ बैठो। शाका, इतने बरस के बाद मुलाकात हुई, याद है जब जेल के मास्टर ने तुम्हें मारा था तो तुमने क्या किया था? उसको चालाकी से साबुन पिला दिया था। वो क्या करता था क्लास में? बच्चों, पढ़ना बड़ी अच्छी बात। यूं गया, फिर जो लौटा, बच्चे हंस रहे थे, कह रहा क्यों हंस रहे हो जी, मैं तुम्हारा उस्ताद। फिर गया, वापस आया, याद है तेरे को? सड़कू, तेरा धंधा कैसा चल रहा है? अमा यार, धंधा क्या चल रहा है, मंदा ही चल रहा है। जिसकी जेब काटो पैसे कम मिलते हैं, बीवी के खत ज्यादा होते हैं कि भूखी मर रही हूँ, बच्चे आपने ज्यादा पैदा कर दिए, कुछ करो कुछ करो, यही चल रहा है। तू बता यहाँ कैसे आए? मैं ऐसे ही मेला देखने आया था। अमा जाओ, बेवकूफ बना रहे हो, कोई बड़ा घर कहीं सेठ जीवन राम के घर का ख्याल तो नहीं? ओ, पर कुछ नहीं होगा यार, वो आदमी बड़ा कंजूस है, 24 घंटे तिजोरी के पास बैठा रहता है। एक बरस से तो मैं ट्राई मार रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। सड़क राम, तुझमें और मुझ में बहुत फर्क है। सच्ची? हाँ, फर्क तो। अच्छा मेरी जान, अगर दाव लग जाए तो अपना ख्याल रखना। दरअसल एक चक्कर चल गया। चक्कर? हाँ, एक लड़की है, अपने को जरा शरीफ आदमी समझती है। इसलिए सोचता हूँ जब को जरा माल पानी का आसरा हो जाए तो उसके बाप को पास कर शादी नक्की कर लो। करेगा ना? अच्छा तो ठहरा कहाँ है? मैं अभी तो कहीं नहीं ठहरा। ओ, तो फिर यही ठहरो, आधे मील से पांव के खटके की आवाज आई तो सीधे अपने कान और दिल में आती है। अच्छा, मेरा जरा चक्कर के साथ टाइम है,
मैं जरा शरीफ आदमी बन के उसको मिलके आता हूँ और तू इतनी देर में यही रहना, मैं तेरे लिए खाने को भी लाऊंगा। माल माल है, इधर जाना कसम ना। आई 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 डार्लिंग आदमी कमला कमल लैली गुलाब के फूल की टहनी। अरे हाँ बापू पूछ रहे थे तुम्हारा धंधा क्या है। धंधा? लोग एक गज काटते हैं, मैं पावगिरा काटता हूँ। पावगिरा? कपड़े का धंधा करते हो? अरे पगली मैंने तो उससे भी बढ़कर धंधा किया है। क्या? तुम्हें पाया है ना। जाओ। अरे ये बड़े बड़े सितारे क्यों लगा रखे हैं तुमने? ये सितारे नहीं पगली, इन्हें मेडल कहते हैं। खानदानी आदमी हूँ ना, अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए इन्हें सीने से लगा रखा। तू भी मेरे सीने से लग जा। जाओ जाओ। हाय दैया। हाय राम, प्लीज बापू। कमला प्लीज मर गए। मैं कह रहा हूँ सारे गांव में बहुत जोर का प्लेग पड़ गया है, कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे आ रहे हैं, सारा गांव खाली हो गया। सारा गांव खाली हो गया है? हाँ। सेठ जीवन राम भी गया? अमां उसका बाप भी गया, गांव में तो एक परिंदा तक नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सड़क राम। सुनो अपना मौका नहीं रहेगा तो फिर मौके का मौका कहाँ से मिलेगा। जल्दी करे यार मुझे कमला को भी ढूंढना है। तुम जाओ। कमाल है यार, बड़े बड़े चोर देखे लेकिन अपनी जान का दुश्मन नहीं देखा। तू मेरा यार है इसलिए मैं कह रहा हूँ तू जल्दी चल, एक सरकार की आवाजें भी आने दे। चल 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 चल। सड़क राम भगो मत, मैंने कहा तुम जाओ। अच्छी बात है, कुछ कहा सुनना माफ करना। चल जाओ। जाता हूँ भाई जाता हूँ, अच्छी सूरत बर्बाद हो जाएगी।